मैं डॉक्टर कल्पना नागपाल हूँ, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ नाक कान गले के विभाग में। मैं रोबोटिक सर्जन भी हूँ। ये सर्दियों में नाक कान गले की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। कान में अक्सर क्या होता है, कान की दर्द लेकर के आ सकते हैं, या फिर कान में कुछ बंदपन लगता है, या कान में सीटी जैसा आवाज़ आता है। तो इन कारणों की वजह से पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। और आजकल विंटर्स के साथ साथ कोरोना पैंडेमिक भी चल रहा है, तो इसमें टिनिटस, वही जो कान बजने वाला प्रॉब्लम और चक्कर का प्रॉब्लम बढ़ गया है, ऐसे पेशेंट्स हम ज़्यादा देखने लग गए। इसके अलावा नाक और गले का परेशानी भी बढ़ता है विंटर्स में, और कोविड पैंडेमिक की वजह से जो है लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति कम हो जाता है, और वैसे विंटर्स और पोल्यूशन की वजह से जो है नाक में अक्सर स्टफीनेस, मतलब बंदपन लगता है, या बहने वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है, या चीकन ज़्यादा हो सकता है। ये एलर्जीज बहुत बढ़ जाते हैं सर्दियों में। तो इन कारणों की वजह से एक्सेसिव स्नीजिंग, सुबह उठते ही चीकन बहुत आना, या नाक से पानी बहना, साथ साथ आंखों में खुजली, नाक में खुजली, गले में खुजली, और साथ साथ खांसी या जुकाम के साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा, तो इन परेशानियों की वजह से आपको या तो इनिशियली वर्चुअल कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आने में डर लग रहा है तो। बट हमारे पास ऐसा है कि कोविड और नॉन कोविड एरियाज बिल्कुल सेग्रीगेटेड हैं, सो आप आके दिखा सकते हैं। अगर एक हफ्ते में आपका जुकाम या गले का प्रॉब्लम सही नहीं होता है तो आप ज़रूर कंसल्टेशन ले लीजिए, और इन प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिए। शुक्रिया। स्टे सेफ।